हेलो नमस्कार दोस्तों, मौली चंद्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी दवाई बनाना सिखाऊंगी जो हड्डी और नसों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों ये, और बहुत ही जल्दी आराम मिलता है इस दवाई से। दोस्तों मैंने ये फ्राई पैन लिया है और तेज़ गैस पर रख लिया है मैंने। इसमें मैं मखाने लिए हैं मैंने 20 ग्राम। ये गर्म करने हैं हमें दोस्तों, गरम करूंगी, ज़्यादा भूनने नहीं है, ना तेल डालना है ना घी डालना है, ऐसे ही भूनने हैं बस ये हमें। और दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ आए कि दवाई कैसे बनानी है ये, और सारी समझ में तभी आएगी जब अंत तक देखेंगे आप। अब मैं इनको भूनूंगी, अच्छे से गरम कर लूँगी। और देखो मैं आगे की सामग्री बताती हूँ आपको। मैंने 4 तेज़पत्ते लिए हैं, 20 ग्राम बादाम, 20 ग्राम अखरोट की गिरी, 50 ग्राम मिश्री लिए मैंने धागे वाली। देखो दोस्तों ये धागे वाली ऐसी मिश्री होती है। और 3 चम्मच मैंने खरबूजे की गिरी ली है, 2 चम्मच पोसत ली है, खसखस भी बोलते हैं, 1.5 चम्मच काली मिर्च ली है, 4 चुटकी मैंने दालचीनी ली है। ये देखिए दोस्तों मैं दिखा रही हूँ, दालचीनी का पाउडर है ये। काली मिर्च का और दालचीनी का पाउडर ले लिया ताकि अच्छे से पिस जाए। ये हमारे मखाने अब गर्म हो गए हैं, थोड़े से और गरम करेंगे इनको। मैं चेक करके देख रही हूँ दोस्तों, ये गरम हो गए, मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये मैं बारीक बारीक तेज पत्ते को काट ले रही हूँ दोस्तों, नहीं तो ये पिसते नहीं हैं, ऐसे ही आपको काट लेने हैं मिक्सी में। अब हम इसको सबको पीसेंगे, सारे सामान को, सारा सामान हम मिक्सी में डाल लेंगे एक साथ ही। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप समझ पाएंगे इस दवाई के बारे में। और दोस्तों ये नुकसान नहीं देती दवाई बिल्कुल भी, कोई भी आप खा सकता है इसको। जो शुगर के पेशेंट हैं वो मिश्री ना डालें, ये सभी के लिए लाभकारी है, कोई भी खा सकता है इस दवाई को। मखाने भी हम इसी में डाल लेंगे, गरम गरम ही डालने मखाने, हमें ठंडे नहीं करने ताकि हमारे मखाने अच्छे से पिस जाएं। हम अब इसको मीडियम गैस, मीडियम मिक्सी में ही पीस लेंगे, ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, पीस जाते हैं नॉर्मल में ही, सिम पे ही पीस जाएंगे हमारी। ये देखिए दोस्तों पीस गया है हमारा, बारीक पाउडर बन गया है बिल्कुल, एकदम अच्छा बन गया है। और ये टेस्टी भी बहुत लगता है, ये नहीं कि खाया नहीं जा सके, बहुत टेस्टी लगता है ये, खाएंगे तो आपको पता लगेगा, दवाई की दवाई है और टेस्टी का टेस्टी है ये। ये देखिए दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। और आपको सारी क्वांटिटी मात्रा ऐसे ही लेनी है जैसे मैंने बताई है आपको, परफेक्ट बिल्कुल। अगर आपको लगे एक बार में कम पीसा है तो आप दोबारा चला के पीस सकते हैं थोड़ा सा और। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से पिस गया है अब हमारा। दोस्तों इसको ना खाली पेट इतनी मात्रा में लेनी है जो मैं चम्मच में दिखा रही हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मिल